ये ले यार, मैं आपके पीछे पीछे मां जान माता दा माता दा माता दा माता। ये पड़ा है, उठा ले इसको। आज जी जासू का आज बाबा की और रेहान भाई की हुई थी आपस में लड़ाई है, तो बाबा ने उसको बेल्ट दिया था नया और इतना प्यारा था, मैं आपको क्या ही बताऊं। हाँ तो ये देखे, मैं आपको दिखाती हूँ। रेहान बाबा ने ना रेहान भाई का कौन सा बेल्ट दिया था। सुबह सुबह फिर ड्रामाबाजी शुरू हो गई इनकी। ये तो रेहान का बेल्ट आ गया। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी। मैं बिल्कुल ठीक, उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। जहाँ मेरा खुश रहें, बाद रहें, फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। तो सुबह का लोगों को स्टार्ट हो गया, तो आज मौसम माशाल्लाह बहुत प्यारा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो आपने हमारे साथ साथ रहना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज फजर अदा कर ली है, बच्चे गए हुए हैं कुरान पाक पढ़ने के लिए, हम किचन में हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक है, नाश्ता बना रही हैं? सबक वगैरह पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया? चलो ठीक है, बनाए नाश्ता। मैं ना 2 मिनट लेट नहीं लगा हूँ यार, पता नहीं कोई तबीयत ऐसे ना ख़राब हो रही है। ये देखें जी, इधर हमारे पनीर है, रोटी है, और इधर बन रही है चाय। मम्मा आज मैंने अंडे के साथ नाश्ता करना है। बैल लाइए ना अंडे नाश्ता करना है। यहाँ पर चाय बन रही है मम्मा, कुछ बन गया अंडे से नाश्ता करना है। 30 रुपए का अंडा है, 30 रुपए का छोटा सा अंडा है, 30 रुपए का। मेरी फैक्ट्री से तो इतना बड़ा 400 रुपए का अंडा मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या भी ठीक होंगे। सुबह का आगाज़ हो गया हमारा, तो मैंने नमाज़ पढ़ लिया, सुपारा भी पढ़ लिया, और आगे नाश्ता बन रहा है जैसे आपको दिखाया। रहमत भी जा रहा है सपारा पढ़ने के लिए, अंसर सपारा पढ़ कर चला गया और रहमत आ गया। अब मनाहल भी आ गई है। हाँ जी, का टाइम है, हमने अभी नाश्ता नहीं किया, तो मैं कहती हूँ आपने दिखा दो अपना तो मैं कहती हूँ अभी थोड़ी देर वीडियो बना लूँ, अपने पापा को उठा के रखती हूँ। बाबा सोए हुए, अब बाबा को उठा के लाऊं। बाबा उठ जाए, खाना खा लें आके, ठीक है? जल्दी आ जाए। आ जाए भाई, भी लेटा हो गया, इसको भी खाते हूँ। हमारे भाई उठ जाओ, सुबह का नाश्ता कर लो। सब कहीं जा रहे हैं, उठ रहे नहीं है। बन गया नाश्ता? क्या कर रही हैं अब? ये मेरे लिए बनाई है? अच्छा, मैं दुकान से होकर आता हूँ। 2 मिनट लगेंगे यार, 2 मिनट लगने, मैं अभी आया। तो मैं जा रहा हूँ दुकान पर, वो सामने दुकान है असगर भाई की, वहाँ से कुछ लेंगे। ये मेरे पीछे मनाहिर भी आ गई है। तुम कहाँ जा रही हो? क्यों आपने क्या करने जाना मेरे साथ? चूरी बनाई मेरे लिए तुम्हारे मम्मा ने। ये देखे जी, ये बाबा क्या करे जा रहे हैं दिया के लिए, केक रस लेने के लिए। देखे जी, यहाँ चूरी बैठी हुई है। देखे जी, बाबा चिड़िया को लेके केक रस लेके आ गए हैं, तो वहाँ चले डाले केक। हम घर पहुँच गए हैं, बाबा और मैं भी हैं, तो बाबा चले दरवाजा खोले। अच्छा जी, के चले।
माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आज तो बेगम ने जी देसी घी वाली चूरी बना के दी है, बहुत ज़बरदस्त। बेगम बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया वाली कौन सी बात? आप ख्याल करती हैं ना मेरा, इसलिए इसलिए शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ये मेरी अकेले की है कि ये लंगर की भी है साथ? चाय डूब जाएगी बेटा, गिर जाएगी। हाँ भाई नमूना क्या कर रहा है? रोटी खा रहे हो? मैंने खाई नहीं, आप पहले शुरू हो जाएं। अल्लाह माफ़ी दे यार, अल्लाह माफ़ करे, तौबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कह रहा है? क्यों इधर आ जाता है? अब मांग रहा है ये बेल्ट वापस? इधर हो भाई। हाँ भाई क्यों बेल्ट वापस मांग रहे हो? क्यों है नमूने? ओ नमूने इधर आओ, इधर मुंह करो। अब इसका मूड खराब है। मूड इसका बड़ी अच्छे तरीके से मैं ठीक करूंगा। इधर आओ। माँ भी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। इधर आओ। अपने जी तो कोई देंदा नहीं है। इधर बैठ। मैं सहला गया था। रोना नहीं है, रोना नहीं है। अच्छा कल उसने आपसे बेल्ट मांगा था, हमाद निकाल के दे दें इसको बेल्ट। आज के बाद आपने अपनी कोई भी चीज़ इसको नहीं देनी है, मांगता भी रहे। चले ये पकड़े अपना बेल्ट, इसके आगे फेंके, उठा के इसके आगे फेंके। ये पड़ा है, उठा लें इसको। आपने अपनी भी कोई भी चीज़, ये पहले तुम्हारा था बेल्ट? पहले मेरा था, जब मैं में था तब बेल्ट ला के दिया था मुझे बुखार। क्यों भाई ये किसका बेल्ट है? फिर जब मैं वर्दी लेने गए थे न्यू, मैंने कहा रिहान को पहन लेते, मुझे वो ठीक है। नहीं जी मैंने वो लेना है। हाँ भाई ये बेल्ट आपका आ गया है, ठीक हो गया। चलिए आज मैं आपको बेल्ट ला के दूंगा, बल्कि आप मेरे साथ चलेंगे, हम बेल्ट लेके आएंगे। ये मुंह क्या देखेगा? ये गाड़ी को भी पीछे से देखेगा और मोटरसाइकिल को भी जा रहे हैं। मैं इधर बैठा हूँ। हाँ जी बेगम आप सुनाए, आपकी तबीयत कैसी है? आज आज मेरे हाल को कुछ कहा ना तो मारो, पिटाई हो जाएगी। पिटाई क्यों हुआ? ये सुबह सुबह फिर ड्रामाबाजी शुरू हो गई इनकी। नहीं आप वर्दी पहन के फिर उसके पीछे दरवाजे के छुप के क्यों खड़ी थी? शूज अपने बाल में ढूंढे, पहले दरवाजा खोले, उसने वर्दी लेनी है अपनी, यूनिफॉर्म लेनी है। आप भी तो जान के शरारत करती हो ना, वर्दी वगैरह आपने पहन के उधर दरवाजे के पीछे छुप के खड़ी हो जाती है। मैं अंदर ही अब कपड़े चेंज कर रही हूँ, वर्दी चेंज कर रही हूँ। ऐसे तो नहीं होता ना, फिर तो गुस्सा आ जाता है उसको, फिर वो तो वजह पहले ही नमूना है। और शगुफे इधर आ क्यों मारा इसको? और शगुफे मैं देखता हूँ ये क्या कह रहा है। हाँ भाई क्या हुआ? बेल्ट ढूंढे जल्दी से मेरा। हाँ किधर है बेल्ट? किधर है उसका बेल्ट? देने उसको, उसने मिनट में आपको बेल्ट दे दिया। किधर है उसका बेल्ट? बेल्ट वे किसके यहाँ? वो बेल्ट ही ढूंढ रहा है, पैंट की जेब में नहीं है। बेल्ट दे उसका कहाँ है? उसको फिर ये बेल्ट स्कूल में छोड़ आया, कल लेके नहीं आया। बेल्ट दे यार, दे बेल्ट। बेल्ट देखे थे किसको था? कौन बेल्ट उसका? उसको बेल्ट किधर है? उसका बेल्ट किधर है? इंगी मारो। अरे हाँ बेल्ट दे दे, उसका देर हो रही है उसे।
ये बैल नहीं दे रहा हम आपका खुद्दे के ऊपर तो नहीं है जब पेंट उतारता है ना पता क्या करता है ऐसे उठा के मारता ऐसे कर वो पड़ी है खुड्डे के ऊपर फेंका होगा अरे देख खले मार मुझे नीचे पड़ो अरे हां और खले और नीचे और हां नहीं मिला चलो ये ले आप यही पहन के जाए ये ऐसी रस्सी पहन के जाएगा काली रस्सी हां ये ले ये ना पहन आप ये दराज में है इधर इधर नहीं मैं इसको लाड़ देता हूं उसका बेल्ट इधर मजबूत बेल्ट है ये पहन ले ये पकड़ पहन के इधर आंटी जी बड़ी इसमें डाल दे धन्यवाद मेरा बेटा की मैं पहन के डाल के देता हूं रेहान आ जाओ कल मैं नहा ले मेरे सलवार में नाल डाला था ना आज मैं बैंड डाल के देता हूँ मेरे की पैंट में आपने शेरा मेरी पैंट के तेरा हाँ 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 तेरी पैंट है आली पाली तेरा आलिया कल यही बात क्या से यही बात के जानी आज भी हाल है हाँ मेरा बच्चा लाली पाली जानी मर्दी आजो आजो ये रहा ये ले रियान आ मेरा बच्चा शुगुफे ये जी रियान की बेल्ट में मैंने पैंट डाल पैंट में बेल्ट डाल दी है स्पेशल बेल्ट लेके आया हूं मैं इसका टोचन भी बना ले आप तस्सी का हां जी मुनाहल भी साथ बैठी है ਚੰਗੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨਾਇਲ ਓਏ ਆ ਜਾ ਡਾਲ ਦਿਆ ਮੇਰੇ ਬੈਲਟ ਰਿਹਾਨ ਰਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਟੁੱਟੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਐਸੇ ਰਿਹਾਨ ਆ ਜਾ ਆਪਣਾ ਐਸੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਏ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਯਾਰ ਆਪਕੇ ਪੀਛੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਹੈ ਬਾਹਰ ਹੋਂ ਐਸਾ ਬੈਲਟ ਆਪਨੇ ਕੌਣ ਸੇ ਲੈ ਲਿਓ ਹਮੇ ਵੀ ਬਤਾਓ ਹਮਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਲਈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਸ਼ੌਪ ਸੇ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੈਲਟ ਤੁਮ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ कहना ये हमारे मोहल्ले में एक दुकान है ये ले वाह क्या ही बात है डबल बेल्ट डबल प्लाई वाला बेल्ट हो गया डबल प्लाई वाला रिहान बेगम देखें कैसा ठीक लग रहा है बैंड बांध के रख लेगा कांधे के ऊपर यहाँ से ना ऐसे और फिर ऐसे खींच लेगा ये फिट हो जाएगा बैंड मैं आया नहीं जान में कर क्या ये ले ये आपकी बेटे की पैंट का स्पेशल नाला लेके ही देना नीचे जा रहा है ना कुछ कहते हो ना देखते हैं देखिए पैंट दे रहा है मैं तेरी बराती पैंट देने आया हूं यार ये ले अपनी पैंट ये ले पैंट डाल दिए कितना मजबूत पैंट डाल के दिया मैंने ये ले चल भी आ जा पहन लेगा पहन लेना अभी ये नमूने की शर्ट को बेल्ट बटन लगा रही है तोड़ लिए बटन इसने
अपने बच्चे को लेने गया था, टीचर ने भेजा। अच्छा, उन्होंने फाड़ दिए। बच्चे ने खींचा? बच्चे ने खींचा। हाँ भैया, आपने तैयारी कर ली है? अच्छा, कौन सा बटन टूटा है इसका? कहाँ से फटी है? तीन बटन टूटे हुए हैं। कट्ठे ही तीन बटन टूट गए इसके। मैंने कहा किसी लड़के को लेने गया, टीचर ने भेजा, लड़के ने इसकी शर्ट, पता नहीं लेने गया या किसी के साथ झगड़ा किया इसने। ये देख, ये नई शर्ट है। काज, काज वाली जगह से फटी है? जहाँ बटन लगे हुए वहाँ से फटी। अच्छा, हाँ पेंट पहन लिया। बेल्ट कैसे लग रहा है? ठीक लग रहा है बेल्ट का? इधर दिखाए मुझे, मेरे बच्चे, मेरे शहजादे। ये लें पैसे, ये लें रेहान, ये पकड़े पैसे। इधर मुंह करें पहले, मेरी तरह देखें पहले, हंस के दिखा सोने। मैं क्या सोने, हंस के दिखाओ। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, तौबा खुदा खैर करे, खूब है करिश्मा। इधर ओ डोरेमोन, ये ले यार, मैं आपके पीछे पीछे हूँ। मैं तो अपने बग्गू गोशे के पीछे पीछे हूँ पैसे लेके। यार पैसे देते क्यों नहीं पड़े आप, दे रहे आपको। ये ले, हंस के दिखाए ना पहले मुझे, इधर हंस के तो दिखाएं, हंस के दिखाएं। रो के स्कूल नहीं जाना, हंस के जाना है, हंस के खुश। कितों रवाया यार, तेन बेल्ट दिता मैं, एडा सोहना बेल्ट, एडा नीले रंग का बेल्ट तेरी। वो कि कलर की पेंट है यदि? ग्रे कलर की पेंट में नीले रंग का बेल्ट, कैसे कंपटीशन बना उसका, जबरदस्त। नीचे ब्लैक शूज, ऊपर ग्रे पैंट, उसमें ब्लू बेल्ट। ये पैसे, मान जा जा माता जा माता जा माता जा माता। बेगम मैं ना जा रहा हूँ असलम के घर, वहाँ से पता करता हूँ वो घर है या हॉस्पिटल में है। तो जरा बहन भाई, वो असलम भाई का ऑपरेशन हुआ है, तो मैं उसके घर जा रहा हूँ, पता करूँगा अगर वो घर है तो इधर इसकी हाल वाल लेंगे। अगर वो शहर है, कौन से हॉस्पिटल में है, उनसे पूछ के फिर वहाँ पे जाऊँगा और उसकी तीमारदारी करके आऊँगा। तो आप सब बहन भाइयों ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला असलम भाई को सेहत तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी ता फरमाए, उसको शिफा कामला ता फरमाए और उसका साया उनके बच्चों पर हमेशा सलामत रखे, आमीन सुभान। मैं असलम भाई के मकान पे पहुंच चुका हूं और उनसे पता करते हैं कि वो कहाँ है। तो बेगम असलम तो अभी हॉस्पिटल में है, कल ऑपरेशन हुआ उसका रात है, तो तकरीबन 9:30 बजे चलेंगे, पता करें। वो उसका हरनी का ऑपरेशन हुआ है, कहता असलम, वो मुंशी बता रहा था, कहता था 5-6 दिन से ना उसको दर्द हो रही थी नाप में ना। अच्छा। तो वो भाभी की दवाई लेने गए थे, वहाँ टेस्ट करवाया तो उन्होंने कहा ये हरनी है, फिर वहाँ ऑपरेशन करवा लिया। हाँ चलो मैं जा रहा हूँ दुकान पे, ठीक है। हाँ माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह दुकान खोल लिया सुबह सुबह आके, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। फिर से मैं जा रहा हूँ कामरान चक्की वाले के पास, कल का उनसे ना किराया लेना है, रखिएगा। और फिर जाना है असलम भाई के तीमारदारी के लिए हॉस्पिटल, जाना है खानपुर। मैं जी चक्की पर आ गया हूँ, कामरान भाई बैठा है। अस्सलाम वालेकुम सहेल भाई, क्या हाल है? खैरियत है। कौन सा हिसाब किताब कर रहे हैं, कौन से हिसाब में घुसे हुए हैं आप, क्या है? बस कुछ ना कुछ करने के लिए मत्था मार रहे हैं यार। क्या है ये खत बनाए मेरी? बैठे सर, बैठे। अच्छा, और तबीयत ठीक है, बच्चे ठीक है? हाँ जी शुक्र है। अच्छा माशाल्लाह, खत बनाए यार, मैंने जाना है कानपुर। कहाँ? कानपुर। माशाल्लाह जी, खत करवा लिया मैंने, सहेल भाई ने पप्पू बना लिया। ऐसे सहेल भाई? सहेल भाई खुद भी पप्पू है जी। मैं आप जा रहा हूँ, ठीक है, ओके अलाम। हाँ जी बेगम साहब, तैयार हो गई आप? अभी तैयार, अभी तो आपका फोन है। अच्छा चलें जल्दी करें फिर, वापस भी आना है। वापस भी आना है? हाँ तो वापस आना है ना टाइम से, नाल वगैरह डाले मेरे कपड़ों में। हाँ जी बेगम साहब चलें, चले निकले बाहर। तो व्यूअर्स हम जा रहे हैं खानपुर, रेलवे लाइन के साथ साथ ये रास्ता बना हुआ है, साथ है। तो वहाँ देखेंगे, अगर कोई वीडियो बनी तो बनाएंगे उधर, वो आपके साथ शेयर करेंगे। खानपुर पहुँच गए, हमने जूस ले लिया है असलम भाई के लिए, जूस पिलाएंगे उसको।
कौन सी पता नहीं सिटी स्वीट के सामने खड़े। हाँ जी माशाल्लाह हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं डॉक्टर मारिया नदीम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है तबीयत ठीक है? कैसे असलम भाई? असलम भाई ठीक है। चले दिखाएं किधर है।